तो ये है मेरा फर्स्ट फोटो जो कि है सनग्लासेस के ऊपर, आप देख सकते हो, लग रहा है कि मैं बीच साइड में फोटो ले रही हूँ। ये मैंने कैप के साथ लिया था, कैप के पापा ये आधा बना है और देखिए घर का हालत। हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल ज़ुहाड़ी विद मम्मीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और साई जा चुका है स्कूल, आप लोगों को दिखा नहीं पाई और सोच के चलो सुहान के पापा बाजू में है तो मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उनको भी पता नहीं है मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। ऐसे बात कर रहे थे, मैं अचानक से शुरू कर दी। देखिए सुबह सुबह उठ के मम्मी सरप्राइज कर दिए, सरप्राइज दे दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ सुहान के पापा। हाँ, आप सुहान के पापा हो, सबको पता है, टोपी लगा देते हो क्या दूसरे के पापा हो जाएंगे। आप कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे। बोलो सुहान की मम्मी। और देखिए सुबह सुबह सुहान मम्मी पूरा ब्लॉग शुरू कर दिए। सर्दी हो गया है ना आपको, और देखो हेयर पूरा इधर उधर हो गया, जान दो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड कैमरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सुहान के पापा कल रात को बोल रहे थे कर देंगे काम, लेकिन वो थक गए, सो गए थे और अभी सुबह उठ के फिर से काम में लग चुके हैं। ये देखिए, ये सब लिए हैं टूथपिक। और इससे क्या बना रहे हो? खिड़की। खिड़की, खिड़की का वो। तो ठीक है, सुहान के पापा कर रहे हैं काम। और देखिए ये रूम का हालत तो कब होगा सुधार, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। अभी जो डिसाइड हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला जो सुहान के पापा जो बना रहे हैं ना, वो होने के बाद तो ये चीज़ जो स्टडी टेबल है, मैं सोची कि जैसे हॉल पे था वैसे ले जाएंगे और किचन का थोड़ा साइड कर देंगे। और यहाँ पे जो उसका स्टडी टेबल है और एक, तो यहाँ पे रख देंगे, जैसे वो पढ़ाई करने के लिए ईजी होगा। ठीक है सुहान पापा, ऐसे कर देंगे, आपका पहले जल्दी जल्दी काम कर लो। तो सुहानी के पापा का तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है बोल के वो आज स्कूल नहीं गई है और साई अकेला गया है। तो देखिए सोइए, और मेडिसिन खाने से थोड़ा ठीक है, लेकिन और एक दो टैबलेट खाना पड़ेगा तो उसको नहीं उठा रही हूँ। और देखिए घर का हालत आप लोगों को दिखाती हूँ, सुबह का टाइम मेरा कैसा है। हर कोई अच्छा चीज़ दिखाने के लिए सोचते हैं नीट क्लीन, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखाऊंगी वो, क्योंकि हमारा ये डेली रूटीन है। तो देखिए सुहान के पापा ये आधा बना है और देखिए घर का हालत, इसको देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ये कब सुधार होगा। तो कोई नहीं, घर छोटा सा घर है हमारा और करेंगे तो कहाँ करेंगे। और यहाँ पे ही खुला जगह है तो सुहान के पापा बोले यहाँ पे ही ठीक सेफ्टी लगता है, क्योंकि बाकी का रूम तो आप लोग देखे हो, जैसे ये बेडरूम है, सॉरी ये बेडरूम कहा गया, मेरा बेडरूम ये है, तो यहाँ पे जगह तो आप लोग देखे, वहाँ पे वो रूम वाला जगह देखे और किचन को देखे, तो और किधर भी जगह नहीं है, यही एक ही जगह है जहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे वो करने वो तो दो चार दिन लगेगा, ऐसे वो दिखाई देता है लेकिन करने के बाद तो उसमें जो छोटे छोटे चीज़ रहता है ना उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये सारी चीज़ तो आप लोगों को सुहानी के चैनल में देखने को मिलेगा। और किचन का हालत देखिए, देखिए फ्रेंड्स, बर्तन इतना रात को धो ली थी और भी बर्तन अभी हो चुका है, और लाइट नहीं था सुबह इसीलिए मैं साई को नहीं दिखा पाई। और क्या क्या बना के दी आज, भिंडी की सब्जी बनाई है क्योंकि साई को ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्जी, तो उसके लिए भिंडी की सब्जी रोटी बनाई वो लेके गए। और ये सब काम बाकी है, आज बहुत काम है, ये करते करते मुझे आधा मतलब एक घंटा तो लग जाएगा। अभी फ्रेंड्स मैं नहाऊंगी और ये सब काम करते करते एक घंटा लग जाएगा, और फिर सुहानी को उठा के भी नाश्ता देना है क्योंकि वो भी टैबलेट खाएगी। तो थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स मिलती हूँ, जब सुहानी उठ जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, और बाकी का जब मेरा काम हो जाएगा तब आप लोगों के साथ बात करूंगी। ठीक, लो आपके लिए मैगी। और गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी आप जब सोए थे। और अभी तबीयत कैसे लग रहा है? तो कल से बहुत बेहतर है, बिकॉज़ मैंने टैबलेट ले लिया था। अभी भी और एक टैबलेट खा लेना। हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ, खा लूंगी। और सुहानी के पापा बाय बाय, आप लोग आपके पास आए तो बाय बाय, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है इसलिए बाय बाय। वो सीढ़ी बन चुका है, सीढ़ी बन गया, काश मेरे लिए ऐसे बना देते। सामने का खिड़की नहीं, कटिंग हो गया, सीढ़ी लगे
काश मेरे लिए बना देते, मैं अंदर जाके सोती बैठती उठती। वो डोरेमोन का ये जो गैजेट मिनिमाइजर, हां वो लेके आ जाओ। ऐसे ट्रस्ट माने से पूरा रहने दो, अंदर चले जाओ, रहने दो, पर जाने की जरूरत नहीं। देखिए फ्रेंड्स, और सुभानी देखिए यहाँ पे ब्रश कर रही है और मुझे बोली कि जल्दी पका, जल्दी बना के दो, जल्दी बना के दो। यहाँ पे देखो इसका ब्रश नहीं हुआ है और मुझे बोल रहे मत दिखाओ, मैं जानबूझ के दिखाई, हमारा डेली ब्लॉग में हर चीज शेयर करूंगी, स्वयं का हर चीज। फ्रेंड्स और गुड आफ्टरनून। तो आज मैं थोड़ा लेट आई बिकॉज आज मैं थोड़ा लेट भी सोई थी, रात भर अच्छा मैं सोई और बहुत नींद आया मुझे। और लाइक ये मैं बहुत दिनों के बाद 12 बजे उठी हूँ, 12 या फिर 11:30 को मैं उठी और मैं बहुत लेजी थी, हो गई थी। मैं कभी इतना लेट नहीं उठी थी, मतलब एक दो बार मैं शायद उठी होंगी और छुट्टियों में उठी होंगी, बट स्कूल डेज में छुट्टी मार के मैं इतना लेट नहीं उठी। छुट्टी मारे तो अभी पढ़ाई चाहिए घर पे, बट इस पे कोई रीज़न से छुट्टी ली थी। तो फॉर द फन मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट फोटोज इन माई फ़ोन, तब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरे फ़ोन में इतने सारे फोटोज़, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट फोटो जो कि है सनग्लासेस के ऊपर, आप देख सकते हो, लग रहा है कि मैं कोई बीच साइड में फोटो ले रही हूँ। ये मैंने कैप के साथ लिया था, कैप मुझे बहुत फैंसी लगा तो मैंने ले लिया, एंड लिप्स का इतना मैच नहीं आ रहा था तो जाने दो, ये मैंने ऐसे ही ले लिया। एंड मुझे इसके ग्लासेस एंड हैट ही अच्छे लग रहे थे, मेरे पोजेस के ऊपर मत जाओ। और ये देखो ये है मेरा आईज जो कि बहुत अजीब लग रहा था, मैं ऐसे सोच रही थी मैं डिलीट करूँ या फिर नहीं, तो मैंने सोचा कि फनी फोटोज को भी रखा जाए, क्यों ना काटे, क्यों काटे नहीं हम, मतलब क्यों काटना चाहिए। और सेकेंड मैं देख रही थी एक सनरेज को, ऐसा फोटोज नहीं रहता कि आप और ही किसी को देख रहे हो, कैमरा में नहीं देख रहे हो और ऐसा कुछ फोटोज आता है, तो मैंने वो वाला ले लिया था और इस आउटफिट के साथ वो मैच कर रहा था तो मैंने ले लिया। ये मम्मी और मैंने ले लिया, देखो हम दोनों डॉलीज दिख रहे थे। और यहाँ पे देखो मैंने एक सिंगल कॉमो फोटो, और ये मैंने अपने फ्रॉक को टाई करके पता नहीं क्या समझा मैंने फोटो ले लिया, मतलब। और ये देखो ये पापा और मैं, ये देखो पापा को मैंने ऐसे कर लिया और ये देखो मैं इतनी फनी दिख रही हूँ, मतलब लाइक मुझे दिखाने में भी हंसी आ रहा है। और ये देखो ये एक, एंड ये देखो ये मैंने स्वैप फोटो कर लिया था तो कितना अजीब सा आया था फोटो बिकॉज मेरे फ़ोन के क्लैरिटी ऐसा तो आ गया। और ये मैंने हैट के साथ लिया था, एंड देन ये मैंने मम्मा के साथ शेडी में लिया था। ये मैं और प्रीति, इसका एक वीडियो है बट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए भाई, ये मैंने करके लिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ट्रेडिशनल वे में लिया था, लग रहा था कि मैं इतना सारे ज्वेलरी पहनी हूँ बोल के। और लास्ट टाइम तो मैंने कोई बर्थडे नहीं, मैंने कोई मतलब मेरे मामा की शादी में पहना था, इतने बड़े बड़े ज्वेलरीज, इतने सारे ज्वेलरीज तो हम लोग सिंपल पार्टीज में। और ये देखो मैं क्वीन एलिजाबेथ में सोच रही थी कि बन जाऊँ तो इसलिए मैंने ये किया, और मैंने कुछ कैजुअल पहना था इसलिए ऊपर मैंने छाता लपेट के वाला फोटो ले लिया, मतलब सीरियसली। और इसको मैं सोच रही थी कि मैं पंजाबी हूँ बोल के, मतलब देखो। और ये तो मैं समझ रही थी कि मैं इजिप्ट में आ गई हूँ बोल के। और ये देखो ये मैंने ऐसे ही ले लिया कि मैंने ग्लासेस पहना, और ये मैंने बैंग्स चाहिए था इसलिए मैंने ले लिया। ये देखो ये तो मैंने ऐसे कुछ लिया था और ये सही है। और ये देखो इसने मूछ, और देखो क्या बोला है, ये देखा ऐसा है कुछ करामती इसका। तो यही सब फोटोज है मेरे पास, आप देख सकते हो ये सब फोटोज है मेरे पास। तो आपको सबसे ज्यादा फोटोज क्या लगा मुझे बताना। स्नैपचैट के भी फोटोज डिलीट हो गए थे बट मुझे बार बार बच गई बिकॉज स्नैपचैट के मैं मेमोरीज में गई और मेमोरीज में चेक किया तो पूरे फोटोज थे मेरे पास, बट कैमरा के नहीं, मैंने स्नैपचैट में जो क्लिक किए थे डिलीट होने के बाद भी वो ऐप के अंदर मेमोरीज में अपलोडेड होता है, तो फिर मैंने वो देख लिया और मुझे जो पसंद आता है मैं सेव कर लेती हूँ, सिंपल। कैमरा फोटोज में मेरे पास बहुत सारे कम 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 फोटो है। फ्रेंड्स मुझे अभी भूख लग रहा है, मम्मी के पास चलते देखते क्या बना रही है। सो फ्रेंड्स अभी इन लोग बैठे हैं खाने के लिए, देखिए सुहानी खा रही है खाना और यहाँ पे देखिए सुहानी के पापा, और लाइट नहीं है और मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, साई आने के बाद मैं खाऊंगी खाना। साई आ जाएगा अभी 10-15 मिनट के बाद और सुहानी के पापा चल जाएंगे ड्यूटी इसलिए वो। और सुहानी के पापा देखो, सुहानी के पापा को देखो यहाँ पे बैठे तो भी क्या कर रहे, मैं आप लोगों नीचे दिखा रही, देखो मोबाइल देखो छुपा है तो क्या होगा, ये तो देखना हो गया ना छुपा। oh, no. और हमारे आज लंच में बना है डालमा, भिंडी की सब्जी, टमाटर की चटनी और पत्ता गोभी की सब्जी, और ये बीच में अदरक भी है। डालमा में कुटा हुआ अदरक डाली थी खास आपके लिए। चलो अभी अभी हाँ साई को भिंडी पसंद है और साई का वेट कर रही हूँ। चलो अभी टाइम हो गया है, फिलहाल 10 मिनट के बाद तो आ रही है, आ रही है, आ रहा है। ठीक मुझे है? बैंगन पसंद है और ग्रीन चीज जो है ना, ग्रीन चीज जो है वो सुहानी को पसंद नहीं है, खाली जंक फूड नहीं नहीं, ग्रीन वो सुहानी को पसंद है, मेथी की सब्जी खाती है। और बोलो तो मुझे बैंगन बहुत पसंद है। आगे सही वो तू क्यों वो बोलना छोड़ो, और इसके कितने रहते हैं
तेरी वो मुझे बोल रहा था और मैं बोलता कीजे बोल रहा था हम कीजे मारा कीजे कौन तेरी को बोल रहा था सूज बाहर सूज बाहर तुमने क्या पढ़ा है आज क्या मजे की बस पढ़ा है क्या पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है तो वो बोलना चाहिए प्रोजेक्ट दिए मैडम को मैडम क्या बोले अच्छा कि कुछ भी नहीं बोले जाने दो आज अब खाना खाने चलो हाथ पैर धो लो ड्रेस निकाल दो आज खाना खाएंगे आज सही आज पक्कू बना है दिन में पक्कू बना है पकौड़ा खुश है खुश है तेरा लल्लू बन गया इसका लल्लू मैं नहीं आज बनाना चाहिए मम्मी उधर अपना अपना काम कर रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ लूं तो चलो अभी मेरा एक ब्लॉग है जो कि 4 days पहले आया था तो चलो वही उस ब्लॉग का मैं अभी नेम्स पढ़ लेती हूँ तो ये है नंदिनी भटनागर नाइस ब्लॉग थैंक यू नंदिनी कृष्णा वानी ने लिखा है नाइस ब्लॉग थैंक यू कृष्णा वानी एंड बद्रुद्दीन अदानंद ने लिखा है नाइस थैंक यू बद्रुद्दीन अदानंद ने लिखा है लाइव चैट कब से तो हम तो डेली आते हैं 8:30 को बट कभी कभार मम्मी का मिस हो जाता है तो पर टाइमिंग सही रहेगा 8:30 आप थोड़ा चेक करते जाना और बाय यूट्यूब व्यूज लिखा है बाय वी ट्यून्स में गए ओके तो ओके फ्रेंड्स यही था कुछ कमेंट्स जो कि 4 days पहले का एक ब्लॉग आया था तो उसका ही ज़्यादा कमेंट्स था तो अच्छा अच्छा भी था तो हमने पढ़ लिया सो अभी हम अभी चलो अभी कर लेते हैं हमारे ब्लॉग को एंड बट मैं अकेले नहीं करूँगी अभी चलो सब मिलके ब्लॉग एंड करते हैं बाय बाय फ्रेंड्स सही बाय बाय कर लो बाय बाय कर दो देखो स्कूल जाने का ऐसा हरकत करते हैं तो अभी मम्मी पापा बाय बाय कर दो बाय 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 फ्रेंड्स अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो और उसी के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लो लाइक करो और मम्मी कमेंट करो और हाँ मम्मी और मेरा हम दोनों का अलग अलग इंस्टा वाला इंस्टाग्राम है आप जाके देख सकते हो ओके फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तो बाय बाय बाय।